वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ एके जी। भाई साहब देखें, आज की वीडियो में थोड़ी सी अनफिल्टर्डनेस आपको दिखेगी, प्लस एडिटिंग भी कम दिखेगी। क्यों? क्योंकि मैं एक व्लॉग एडिट कर रहा हूँ अपने दूसरे चैनल के लिए, मोर एके जी वाला चैनल, जो आप लोग नहीं जानते, आप लोग जानते हो कि ज़्यादातर नहीं जानते तो बता दे रहा हूँ, मोर एके जी करके एक चैनल है जहाँ पर मैं व्लॉग वगैरह डालता था। तो मैं सोच रहा हूँ कि व्लॉगिंग को अब थोड़ा सा कंटिन्यू करने का, नए नए व्लॉग्स तुमको देने का। दो तीन रीज़न है यार। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि सबसे पहले तो मैं इस चैनल पे कंसिस्टेंट होना चाहता था, जो मैं पिछले दो महीने से हूँ। तुम देख सकते हो लगभग लगातार ही रोज एक वीडियो डली है। तो पिछले दो महीने से इस चैनल में कंसिस्टेंट होने के बाद अब मैं सोच रहा हूँ कि हाँ यार, उस चैनल पर भी कंसिस्टेंट हुआ जाए। मोर ओवर मैं थक गया हूँ ये टॉकिंग हेड वाली वीडियोज़ बना बना करके यार। तो मैं सोच रहा हूँ और तुम लोगों को कंटेंट दूँ, और तुम लोग इंस्टाग्राम के स्टोरीज़ में जो मैं Q&A वगैरह करता हूँ तो उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देते हो, जिसको देख करके मेरे को लगता है कि तुम लोग इन्जॉय करोगे व्लॉग्स को। तो वो बात है। प्लस ये जो फुटबॉल नीच वाला है ना, फुटबॉल नीच कम्युनिटी है जो भी तुम लोग कह लो, इसमें भाई बहुत कंपटीशन और कंट्रोवर्सी वगैरह है यार। एंड आई वांट टू गेट आउट फ्रॉम इट थोड़ा सा, एंड व्लॉग्स कुड बी अ गुड एस्केप फॉर मी, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। तो मैं व्लॉग्स बनाना जो है वो कंटिन्यू करूँगा। एंड जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, पहले मैं व्लॉग ही बनाता था। आई स्टार्टेड माई यूट्यूब एज अ व्लॉगर है ओनली, ठीक है। आई स्टार्टेड एज अ टैक टैक यूट्यूबर, देन आई शिफ्टेड टू व्लॉग्स एंड देन गेमिंग एंड देन दिस हैपेंड एकदम अचानक से, तो वो बात अलग है। बट हाँ, मैं यूट्यूब में 2000 अभी मैं फिफ्थ ईयर में हूँ कॉलेज के, यूट्यूब में मैं 10वीं से हूँ, ठीक है। तो जितने लॉन्डे लोग आकर के कह रहे हैं ना कि एके जी कॉपी करते हैं, एके जी कॉपी करते हैं, एके जी ने ना भाई 11वीं से जो है कहानी बना करके रखी है अपनी, है ना। और जो तुम शायद आज कर रहे होगे वो 11वीं में एके जी करके छोड़ चुका है, ठीक है। एनीवेज, तो भाई साहब हाँ, आज की वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात अपन करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कंट्रोवर्सी के ऊपर। यार ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी स्टेटस, और मैं अपनी ओपिनियन दूंगा उसके बारे में थोड़ा सा तुम लोगों को। मोर ओवर देखें, अपन बात करने वाले हैं भाई साहब बर्नार्डो सिल्वा टू बार्सिलोना के बारे में, थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे, मेम्फिस डिपाई टू यूवेंटस के बारे में भी। सो लेट्स बिगिन विथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कंट्रोवर्सी भाई साहब सोशल मीडिया में। तो यार पता नहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्या करना चाह रहे हैं। सबसे पहले बात तो मेरे को ये क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो चाह क्या रहे हैं करना। एक समय ऐसी रिपोर्ट्स आ रही क्रिस्टियानो रोनाल्डो छोड़ना चाह रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड, बहुत रिलायबल जो है वो जर्नलिस्ट लुक से ये खबर आती क्रिस्टियानो रोनाल्डो छोड़ना चाहते हैं। एंड इतने समय तक ट्रेनिंग वगैरह मिस कर रहे हैं, तो मेरे को भी समझ में आ रहा था कि हाँ यार ये छोड़ना तो चाह रहा है यूनाइटेड, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर तुम पूरे फैक्ट्स निकाल करके देख लो, जो भी जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि भाई वो UCL में कम्पीट करना चाहते हैं, आखिरी चल रहा है UCL में, वो टॉप स्कोरर, अगर एक सीजन में बाहर रहे तो हो सकता है मेसी टॉप स्कोरर बन जाएंगे, एसेट्रा, सब चीज़ें ट्रू लग रही हैं, और सब चीज़ें ट्रू भी हैं मैं ये मानता हूँ। बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो आकर के सीधा ये बोलते हैं कि भाई जो भी मीडिया वाले छाप रहे हैं मेरे खिलाफ, ये सब उल्टा सीधा छाप रहे हैं, और सही भी छाप रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मेरे फॉल्स न्यूज़ अगर तुम लोग नहीं डाल के दोगे तो पैसे कैसे कमाओगे, जो एकदम सत्य बात है। बट देन क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक और फोटो में कमेंट करते हैं जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो नॉट वेलकम करके एथलेटिको मैड्रिड वाले जो है वो फैंस वाला फोटो था, उसके अंडर जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो हंसने वाला कमेंट करते हैं। एंड फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक और फोटो में कमेंट करते हैं या फिर शायद पोस्ट डालते हैं, मेरे को पता नहीं, कि भाई साहब द किंग विल बी रिटर्निंग ऑन संडे, मतलब मैं मैच खेलूंगा संडे को जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का है अगेंस्ट रियल वेलाकानो, जहां तक मैं गलत नहीं हूं, जो भी टीम है स्पेनिश कोई टीम है उसके खिलाफ मैच है भाई साहब रोनाल्डो का, तो उसमें रोनाल्डो लिखा है ना द किंग रिटर्न्स या फिर द किंग विल प्ले ऑन संडे, ऐसे करके कुछ उसने लिखा है, ठीक है। मतलब ही विल स्टे एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, और इफ ही विल नॉट बी स्टेइंग एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, भाई साहब आखिरी मैच हो सकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड का उनके लिए, जैसे यूवेंटस के लिए भी प्री सीजन खेल करके जो है वो रोनाल्डो यूनाइटेड में गए थे, तो वैसा कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग कुड हैपन। अभी तक कन्फर्म नहीं विल ही बी स्टेइंग और नॉट, बट अगर वो स्टे करते हैं तो फिर अच्छा ही है, मतलब यूनाइटेड के लिए भी अच्छा ही है, उनके लिए भी अच्छा ही है, मैं तो ये मानता हूँ। अगर छोड़ करके भी जाते हैं UCL टीम को ज्वाइन करते तो वो भी अच्छा है, लेकिन फिर आप मीडिया में आकर के ये सब क्यों लिख रहे हो कि जो भी जर्नलिस्ट लोग कह रहे हैं वो सब फॉल्स है, ऐसा वैसा ये वो टाइप्स, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि देखें इतना तो रॉन्ग नहीं हो सकता है यार, मतलब ये तो तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूँ। पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि ही इज़ ट्राइंग हार्ड टू प्रोटेक्ट अपना PR इमेज ऑन इंटरनेट, मे बी, बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि मतलब अगर ही विल बी स्टेइंग एट मैनचेस्टर यूनाइटेड मोस्ट प्रोबेबली वो UCL वाली बात तो ऑब्वियसली है कहीं ना कहीं, और अगर अब शायद वो यूनाइटेड में रुकेंगे तो वो शायद दो ही रीज़न के चलते हो सकता है, एक भाई साहब उनको कोई क्लब नहीं मिली, दूसरा ये हो सकता है कि भाई साहब अब अपनी जो है वो PR इमेज बचाने के लिए रुके हैं।
मैं नहीं कह रहा हूँ मैं भी कह रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन इंटरनेट में भी एक लगभग मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस का यही मानना है। तो देखें, मेरा ओपिनियन अभी भी यही है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को छोड़ के जाना चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड, एक यूसीएल वाले क्लब में खेलना चाहिए, बिकॉज ही इज़ चैंपियंस लीग, ही इज़ मिस्टर चैंपियंस लीग एंड ही शुड प्ले इन चैंपियंस लीग, आखिरी चल रहा है। एंड मेरे को पता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर चैंपियंस लीग में खेलेंगे तो ही विल बी प्रोवाइडिंग अपनी टीम को विद सम गोल्स एज वेल ऑब्वियसली। तो मैं तो चाह रहा हूँ कि यूनाइटेड छोड़ दे रोनाल्डो, बट अब देखो क्या होता है, अब पता नहीं यार वेयर ही विल बी स्टेइंग, व्हाट ही विल बी डूइंग, अब वो वही जानते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में कुछ नज़र आ रहा है, मीडिया वाले कुछ कह रहे हैं, और आंडू पांडू मीडिया नहीं, टॉप जर्नलिस्ट लोग जो कह रहे हैं, लाइक फैब्रिजियो ने भी कहा है यार कि इज लुकिंग फॉर अदर ऑफर, सो आई रियली डोंट नो क्या चल रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब बर्नार्डो सिल्वा टू बार्सिलोना। तो देखें, खबरें की माने तो ऑब्वियसली बार्सिलोना जो है वो साइन करना चाहती बर्नार्डो सिल्वा को, एंड अब अगला टारगेट बर्नार्डो सिल्वा और एस्पिलिकुएटा है बार्सिलोना के लिए, लेकिन यू नो साइनिंग प्रॉब्लम होगी। कुछ जर्नलिस्ट लोग कह रहे हैं कि फ्रेंकी डी यॉन्ग जाएगा तभी बर्नार्डो सिल्वा को लाया जाएगा, और कुछ जर्नलिस्ट लोग ये कह रहे हैं कि दोनों साथ में खेल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको बेच के ही जो है वो इसको लाएंगे, तो दोनों साथ में भी हो सकता है, तो ऐसा कहानी चल रहा है। बट मैं अपना करता हूँ को पर्सनल ओपिनियन बताऊँ, जितना मैं बार्सिलोना को जानता हूँ और मैं जितनी इकोनॉमिक्स देखा मैंने बार्सिलोना की, आई डोंट थिंक सो दैट बर्नार्डो सिल्वा आएंगे बार्सिलोना में। बहुत ही जो है ये मेरे को लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, सबसे पहली बात। दूसरा, अगर फ्रेंकी और बर्नार्डो दोनों रुकते हैं तो फिर अपन क्या कर रहे हैं यार, लाइक वी शुड फोकस ऑन आर फुल बैक्स, अब मिडफील्डर बहुत हो गए हैं, वी डो नॉट नीड बर्नार्डो सिल्वा, टैंकर्स पर्याप्त हैं, मिडफील्डर्स पर्याप्त हैं, वी नीड प्रॉपर फुल बैक्स, डिफेंडर्स भी अच्छे हो गए बट फुल बैक्स हमारे पास नहीं है, तो क्लब शुड फोकस ऑन फुल बैक्स रदर देन ऑन बर्नार्डो सिल्वा। बर्नार्डो सिल्वा की वो अवेलेबिलिटी 60 मिलियन 70 मिलियन की कुछ होगी, 65 कोई बोल रहा है, कोई 80 बोल रहा है देखो, बट हाँ यू नो जितनी मैं मान लूँ लग तो रही है बार्सिलोना इंटरेस्टेड बर्नार्डो सिल्वा के लिए, बट कुछ भी हो सकता है, आई रियली डोंट नो व्हाट विल हैपन। एनीवेज, तो ये हो गई बर्नार्डो सिल्वा की, ठीक है। अब मेम्फिस डिपाई की बात आती है, देखिए मेम्फिस डिपाई 12 गोल मारे हैं 28 गेम में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बार्सिलोना के लिए पिछले सीजन, एंड मेम्फिस डिपाई को जो है वो बार्सिलोना बेचना चाह रहे हैं यूवेंटस से, अभी इनिशियल बातें जो हुई हैं वो चालू हुई हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात होगी क्या यूवेंटस जाने चाहेंगे कि नहीं मेम्फिस डिपाई, क्योंकि अगर रिपोर्ट्स की माने तो मेम्फिस डिपाई जो हैं वो अपने ड्रेसिंग रूम में सभी बंदों को ये बोल करके रखें, आई डू नॉट केयर इवन इफ यू नो 10 मोर अटैकर्स कम टू बार्सिलोना, आई विल फाइट फॉर माय प्लेस। तो ही डज नॉट यू नो श्योरली वॉन्ट्स टू लीव बार्सिलोना, एंड इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ वेजेस एंड शेट, लाइक मेम्फिस डिपाई ऑलरेडी बहुत कम कमा रहा है, ठीक है, एंड मोस्ट प्रोबेबली ही विल अर्न मोर एट अदर क्लब, बट दिस वेरी सोल रीजन वाई मेम्फिस डिपाई वॉन्ट्स FC Barcelona is the sporting project, like each and every player in world football knows that you know if there is a future somewhere it's Barcelona. चावी की स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट बहुत ही तगड़ी नजर आ रही है सभी प्लेयर्स को, एंड दिस इज द वेरी सोल रीजन वाई बार्सिलोना अट्रैक्टेड सो मेनी प्लेयर्स लाइक लेवेंडोस्की एंड कैसी क्रिश्चियनसन, अपना ये क्या नाम है इसका कुंडे, ऑल दीज टॉप एलाइट प्लेयर्स वर अट्रैक्टेड टू FC बार्सिलोना जस्ट बिकॉज ऑफ द वेरी सोल रीजन दैट द स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट ऑफ FC बार्सिलोना इज लुकिंग वेरी स्टेबल एंड यू नो फ्यूचर टाइप ऑफ स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट। सो you know this is the very sole reason why Memphis Depay also wants to stay at FC Barcelona, he does not wants to join Juventus or any other club, you know there were some rumors as well ki Memphis Depay ko apan Premier League wale teams ko bhi jo hai wo bech sakte hain, but Memphis Depay is clear with his stance, he does not wants to bhai sahab leave FC Barcelona. Now what will be happening with Memphis Depay ye to apan ko bhai sahab time hi batayega, future hi batayega, but dekhne wali baat hogi ki bhai sahab Memphis Depay kahan end karte hain. So yahi meri opinion hai about Cristiano Ronaldo. Main maan raha hu theek hai abhi tum log ke kuch you know fit se Ronaldo fan girls aakar ke comment karenge aaltu phaltu, ignore maro, main bhi ignore marta hu, koi tension wali baat nahi hai, ladne ki koi zarurat nahi comment section mein, and obviously yaar Cristiano Ronaldo ka to samajh mein nahi aa raha stance, like being very honest ab sach mein samajh mein nahi aa raha hai. Chalo theek hai, anyways dilin new vlogs are coming soon on More AKG, so if you haven't subscribed on that channel go ahead and subscribe. Normal vlogs आएंगे day to day type की, मैं कोशिश करूंगा daily vlogs upload करने की, लेकिन मेरे अभी दिमाग में, ठीक है, और तुम लोग जानते हो दिमाग में होने में और उसको reality में लाने में थोड़ा सा time लग जाता है. So मेरे मथुरा वाले vlogs पड़े हुए थे होली के, आई एम एडिटिंग दोज vlogs, मेरे पास कुछ और vlogs रखे हुए थे मैं वो एडिट करूंगा, एंड देन एक आध PS5 का अनबॉक्सिंग वाला व्लॉग है मैं वो एडिट करूंगा, एंड उसके बाद फिर जो है वो डेली व्लॉग्स आएंगे, तो होपफुली
कल से तुमको उस चैनल पे भी जो है वो वीडियोस देखने को मिल जाए। बस अब यही मैं जो है वो होप करके आज की वीडियो को एंड करता हूँ। आज रात को प्लान था लाइव स्ट्रीम करने का, बट ऑब्वियसली आई एम एडिटिंग दैट व्लॉग, सो आई डोंट थिंक सो दैट आई विल बी गेटिंग टाइम टू स्ट्रीम ऑन दिस चैनल अबाउट फॉर द वॉच अलॉन्ग ऑफ दैट मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लिवरपूल। बट आई एम गिविंग यू माई रफ प्रेडिक्शंस, इट विल एंड ऑन अ ड्रॉ एंड देन मैच विल बी यू नो गोइंग इन पेनाल्टीज, एंड पेनाल्टीज में जो है वो मैनचेस्टर सिटी जो है वो जीत जाएगी क्योंकि लिवरपूल का थर्ड गोल कीपर खेलेगा। चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में, जय हिंद।